नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी सी टेलर चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जैसे कि पैंट की क्रॉस पॉकेट आपको बताई थी, एक तो पेस्टिंग वाली और दूसरी बोन वाली एक ही वीडियो में। इस वीडियो में हम पैंट की क्रॉस पॉकेट दो तरीके की आपको बताएंगे, जो कि होंगी बिना प्रेस की, यानी कि आपको उसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना प्रेस के ही आप उसको बना सकते हैं। तो बहुत से लोग इस तरीके की भी बनाते हैं और बहुत से लोग उस तरीके की भी बनाते थे, तो वो तो हमने वीडियो बना दिया, अब इसकी बारी है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में हम दो तरीके आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने काट लिया है ये अस्तर पॉकेट का, ये देखिए दो हैं, तो दोनों में अलग अलग बताएंगे, तो हमने इसको अस्तर को ले लिया। देखिए ये 34 कमर की क्रॉस पॉकेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच काट ली है चौकोर, और लंबाई जो है आप 14.25 यहाँ पर रखी है, 14 से 13.5 से 14 आप रख सकते हैं लंबाई, इससे ज़्यादा आपको लंबाई नहीं रखना होती है पॉकेट की। ये देखिए डबल है। उसके बाद इसकी पॉकेट की ये रहे जाती, जैसे कि यहाँ पर हमने 4.5 इंच काटी है और लंबाई इसकी 10 इंच है। तो क्रॉस पॉकेट में अब सिंपल सा हमको इसको पॉकेट को इस तरीके से और इसको ऊपर हमको जातियाँ रख देना है दोनों, और इसके ऊपर हम रख देंगे ये पैंट का पल्ला। ये देखिए हल्का सा सेब यहाँ पर है और यहाँ पर हल्का सा सेब होता है, तो उसी तरीके से हमको पॉकेट को रख देना होता है, यहाँ पर हल्का सा सेब होता तो ऐसे ही। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो जो यहां पर है, यहां पर हमको लगभग 3 सूत का कुटका लगा लेना है। और यहां पर एक लगाते हैं। ये 2.5 इंच का। अब इसको हम हर को हटा देना है। उसके बाद ऊपर से 2 इंच यहाँ पर और 2 इंच इधर साइड में इसको गुलाई दे देना है। तो ये हमारी पॉकेटें जो हैं वो कट गई हैं। अब हम मशीन पे चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जाती लगा लेते हैं इसकी। इनको इस तरीके से रखेंगे और जाती लगा लेंगे। नीचे आप फोल्ड करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी साइड में भी ऐसे ही हमको लगा लेना है। अब देखिए सबसे पहले पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो इस वाले पल्ले में हम बनाएंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे और देखिए इसके नीचे हमको ये खड़ा कपड़ा लगा देना है, क्योंकि खड़े कपड़े से क्या होता है, ये हमारा अवरेप नहीं होगा।
तो उसके बाद यहाँ पर हम कट लगाएंगे, इसको निकाल देंगे। उसके बाद इसको हमको इतना काट देना है। अब देखिए हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार कुटका और लगाएंगे और इसको इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। इसको हमको ऐसे ही रखना है, उसके बाद ये सिलाई लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे इसको बना लेते हैं, थैले को बंद कर देंगे। इसको पलट के सिलाई लगाते हैं। और अब देखिए ये निशान लगा हुआ कुट का, ये ऐसे आएगा। यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगा के टांकी लगाएंगे, उसके बाद 6 इंच का मुंह बनाएंगे। ये 6.25 का आप बनाना चाहते 6.25 का बना ले, बाकी नीचे ये टांकी लग जाएगी। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट बन गई इस तरीके से, कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। और ये देखिए कहीं पर फलक नहीं रही है, टेप लगा हुआ है, तो ये अवरेप भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं। इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना पेस्टिंग की, ज़्यादातर इस तरीके से लोग बनाते हैं। उल्टी तरफ इस तरीके से आई, अगर आप हाफ पीस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके की आपको बताते हैं। तो देखिए आप दूसरी वाली हम बनाते हैं। दूसरी वाली के लिए हमने देखिए एक जाती ली है, यहाँ पर इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। उसके ऊपर इस पल्ले को रखते हैं। जैसे कि यह है निशान, तो ये कुटका लगा हुआ है, इस पैर पर हटा के हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे।
एक यहाँ पर लपकी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फोल्ड करके पैर की सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ऊपर से लगाने से हमारी सिलाई ऐंठती नहीं है, पल्ला मतलब जो है ये ऐंठेगा नहीं, नीचे से लगा देंगे तो ऐंठ जाएगा। इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद इसका थैला बना लेंगे। तो उसमें यहाँ तला पुट्ठा जुड़ता हुआ आएगा, ये दब जाएगी यहाँ तला पॉकेट। तो इसमें भी हमको वही काम करना है। इसमें टांकी लगा देंगे 1.25 इंच की और 1.25 इंच का मुंह रखेंगे। ये यहाँ पर कुटका लगा तो यहाँ पर हमको टांकी लगा देना है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों अब हम पुट्ठा जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिखे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर आए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए चले जाना है। यहाँ पर टांकी लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, पुट्ठे को जोड़ सकते हैं। तो अब इन दोनों में से जो आपको पॉकेट पसंद हो उस टाइप से पॉकेट ये बना सकते हैं। जैसे कि इसमें ज्वाइंट नहीं है और ये देखिए और इसमें ज्वाइंट होता है। बाकी काम एक जैसे ही करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा, मजबूती बहुत ही ज़्यादा रहेगी। कितना भी कोई हाथ डाले यहाँ से पॉकेट टूटेगी नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर टांकी लगी हुई है। और इसका अगर आपको देखना हो, ये बिल्कुल ही अलग तरीके का फ्लैप और पॉकेट है, इसका अगर देखना हो तो आप जो है टीसी फैशन पे जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए अलग तरीके का ही बिल्कुल फ्लैप बनाया हमने और पॉकेट भी अलग तरीके की है। तो इस तरीके से दोनों पॉकेटें आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करवे लाइक एंड आल पर जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।